हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना राठी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन के लिए हम घर आए थे, फाइनली वो आ चुका है। आज मेरी दादी जी की याद में एक हवन और छोटा सा भंडारा है, जैसा हम लोग कर सकते हैं अपनी आस्था और श्रद्धा अनुसार। तो आइए, आप सभी आमंत्रित है। हालांकि जब ये वीडियो डलेगा तो शायद एक दो दिन लेट हो चुका होगा, उसके लिए माफी चाहूँ। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी। और वीडियो और इस भंडारे में जो भी होगा, जैसे भी होगा, ये कढ़ी चावल का नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। इस भंडारे में पूरी, हलवा और आलू की सब्जी और लड्डू, सीताफल की सब्जी और लड्डू, ये इस तरह का भंडारा है। मतलब आप लोग समझते होंगे, बहुत लोग करते हैं आलू की पूरी सब्जी का भंडारा भी, तो ये वही वाला है, क्योंकि हमारी माताश्री, हमारी दादी माँ की याद में किया जा रहा है। और बने रहिए आप मेरे साथ, जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। अभी हवन की तैयारी चल रही है, भट्टी चढ़ी हुई है, खाना बन रहा है और घर से हम लोग आ रहे हैं। मैं और बुआ आ चुके हैं, बड़ी मम्मी आ चुकी है, बाकी लेडीज अभी आ रही है, बच्चे भी आ गए हैं। और एक खुशखबरी है कि खुशी भी आ रही है अपनी छोटी सी बेबी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ हो गया स्टार्ट। Hi guys. मतलब देख, हम इंद्रदीप भारत खंड प्रांत है, उत्तर प्रदेश मंडले सहारनपुर मंडले, जनपद लक्ष्मी नगरी। ये माँ की समाधि है, मूर्ति स्थापित होने वाली थी लेकिन मूर्ति का काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए भी स्थापित नहीं हो पाई है। फिलहाल फोटो रखी हुई है, अगले भंडारे पर मूर्ति स्थापित की जाएगी।
खुशी 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 जब तक हम घर आए तब तक जाना नहीं ए खुशी जब तक हम घर आए तब तक जाना नहीं ओके हम भी अभी आ रहे हैं वी विल फॉलो यू Hey guys, तो भंडारे का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हम सब ने बहुत इंजॉय किया भंडारे में बनी थी आलू की सब्जी पेठे की सीताफल की सब्जी पेठा भी कहते हैं और पूरियां और हेलो तो गाइस कहाँ थे हम भंडारे का प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है लेकिन कुछ लोग अभी भी खा रहे हैं और शायद शाम तक खाते रहेंगे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया सच में सारे गेस्ट आए बुआ जी आई लाली बुआ आई शिवानी आई खुशी आई हमारी दोनों छोटी छोटी बच्चियाँ आई और हमने बहुत मज़े किए यकीन मानिए और काजल ने तो प्लेट भर के कचौड़ियाँ खाई प्लेट भर तो और पेठे की सब्जी तो इसने छोड़ी ही नहीं और उसे देखो मीशो से ऑर्डर किया हुआ सस्ता गुंडा अगर और भी कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको करती रहूँगी अदरवाइज़
भंडारा यहीं तक है।